सीनियर डायरेक्टर के कमीशन के लिए, मान लीजिए कि भाई सीनियर डायरेक्टर कब बनेगा, जब दोनों साइड लेफ्ट और राइट में उसका एक एक डायरेक्टर होगा तब। अब मान लीजिए लेफ्ट में जो डायरेक्टर है उसकी सीबी है 10,000 और राइट में जो डायरेक्टर है लाइट की जो टीम है उसमें है 5,000 सीबी, तो जहाँ से कम है वहाँ से उतनी की उतनी दूसरी साइड से, जैसे 5,000 कम है इस साइड 10,000 तो इस साइड से भी 5,000 ले गए तो टोटल सीबी हो गया 10,000, टोटल 10,000 का सीधा सीधा उसको 22% मिल जाएगा, ठीक है। पर उसकी सेल्फ मतलब सीनियर डायरेक्टर की भी सेल्फ की कुछ खरीदारी होनी जरूरी है, मतलब सीनियर डायरेक्टर की सेल्फ की कितनी सीबी होनी चाहिए, 80 सीबी। सीनियर डायरेक्टर की खुद की सेल्फ की 80 सीबी होनी जरूरी है तभी उसे 22% मिलेगा, वरना उसे एक भी रुपया कमीशन आएगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसकी खुद की खरीदारी का आएगा, टीम की खरीदारी का उसको कमीशन मिलेगा नहीं। अब है डायरेक्टर बोनस की बात। डायरेक्टर बोनस सिर्फ सीनियर डायरेक्टर को दिया जाएगा, उसके लिए कुछ कंडीशन है। पहली कंडीशन तो है ये है कि दोनों साइड उसके जितने भी डायरेक्टर है सेम लिए जाएंगे, जैसे मान लीजिए कि लेफ्ट में दो डायरेक्टर है और राइट में एक डायरेक्टर है, तो एक राइट का डायरेक्टर और एक लेफ्ट का डायरेक्टर, मतलब कि सिर्फ दो डायरेक्टर का उसको कमीशन मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, उसके भी कुछ नियम है। जैसे पहला नियम तो यही है कि डायरेक्टर जो है उसकी 50 सीबी कम से कम होनी कंपलसरी ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा है सीनियर डायरेक्टर की 80 सीबी होनी ज़रूरी है, ठीक है। अब तीसरा क्या है, तीसरा ये है कि डायरेक्टर ग्रुप में कम से कम 3,000 सीबी होना कंपलसरी है। डायरेक्टर ग्रुप के अंदर 3,000 सीबी होना जरूरी है, मतलब लेफ्ट में भी 3,000 सीबी और राइट में भी 3,000 सीबी, तभी उसको डायरेक्टर बोनस मिलेगा। और वो कितना मिलेगा, डायरेक्टर का जो चेक आया है उसका 5%। मान लीजिए किसी डायरेक्टर का 100 रुपया चेक आया है तो उसका 5%, उस साइड में दूसरी साइड में अगर किसी का 200 आया है तो उसका 5%, इस तरीके से उसको डायरेक्टर बोनस दिया जाएगा। इसके अलावा उसको डायरेक्टर बोनस मिलेगा नहीं। मान लीजिए एक ही साइड में 10 डायरेक्टर है और दूसरी साइड में सिर्फ एक ही है, तो एक और इधर 10 है उसमें से भी एक, सिर्फ 2 डायरेक्टर का मिलेगा उसको, ठीक। अब है डायरेक्टर बोनस।